अस्सलाम वालेकुम, ये part2 है लेक्चर 6 का जो कलेक्शन पे है बेस्ड है। फर्स्ट तो कलेक्शन है क्या? कलेक्शन असल में एक कंटेनर होता है जिसमें हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, मतलब एक वेरिएबल बनाते हैं। उसमें हर ऑब्जेक्ट के लिए अपनी अपनी स्पेस होती है, अपनी अपनी इंडेक्स होती है जो 0 से स्टार्ट होता है अरे की तरह। तो हम इस कोड को देखते हैं और फिर उसके टाइप्स भी है, एक अरे लिस्ट है उसका एक टाइप और दूसरा टाइप है हैश मैप। तो इसमें हम अरे लिस्ट देखेंगे। ये हैश मैप और अरे लिस्ट दोनों java.util पैकेज में है। जब हम इसको इंपोर्ट करते तो ये हमें मिल जाता है, ये अरे लिस्ट, न्यू अरे लिस्ट। तो हम अब क्या कर रहे हैं, पहले तो इसका टाइप कास्ट लिख रहे हैं कि अरे लिस्ट इसमें जाएगा। तो हमने al मतलब अरे लिस्ट एक वेरिएबल बना दिया, इसको अरे लिस्ट असाइन कर दिया, फिर स्टूडेंट के 3 ऑब्जेक्ट्स बना दिए, एक में अली है, दूसरे में रजा है, साद है, तीसरे में रजा है। और ये नाम है और ये इसका आईडी है। और फिर हम इन 3 ऑब्जेक्ट को इस एक कंटेनर में रखना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा इसमें इसका एक्चुअल, फॉर एग्जांपल अब ये जो है ये वाला फॉर एग्जांपल ये जो ये सारा जो वेरिएबल है ये al इसका नाम है। इसमें अब 0 इंडेक्स पे क्या है, s1 है, अली का ऑब्जेक्ट पड़ा है। 1 इंडेक्स पे s2 है और 2 इंडेक्स पे s3 है। और ये तीनों एक ही कंटेनर में पड़े, एक ही वेरिएबल में तीनों पड़े हैं जो कि al के नाम से डिफाइन है, डिक्लेयर हुआ है यहाँ पे। तो ये इस तरह कुछ ये हुआ, जिस तरह हमने पहले देखे थे कि ये उसमें कुछ फंक्शन थे, ये ऐड करना एज एम्प्टी अगर आपको याद हो या ऊपर है। तो ऐड से तो हमने ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया, ये वाली ऑब्जेक्ट, ये वाले फंक्शन जो थे कहाँ गया, ऐड करना एज एम्प्टी कंटेंट रिमूव। तो ये ऐड तो हमने देख लिया कि यहाँ पे हमने न्यू अरे का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस पे हम इसको कॉल कर सकते हैं इस फंक्शन को। तो ये ऐड का फंक्शन है, इसमें हमने ये तीनों ऑब्जेक्ट ऐड कर लिए सीक्वेंस में, पहले ये हो गया फिर ये। अब यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, ये बी वेरिएबल है और इसी वेरिएबल पे हम चेक कर रहे हैं कि ये एम्प्टी तो नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट्स है कि नहीं है। तो अभी तो है, 3 ऑब्जेक्ट हैं। तो ये जब ऑब्जेक्ट नहीं होता, जब ये एम्प्टी होता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, क्योंकि ये बूलियन है, बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। अगर इसमें कुछ ऑब्जेक्ट ना हो तो ये क्या रिटर्न करेगा, अरे लिस्ट इज एम्प्टी। लेकिन अब एल्स पार्ट रन होगा क्योंकि वो उसमें तो ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर क्या करो, ये एक साइज वेरिएबल हमने बना दिया इन टाइप का और हम चेक कर रहे हैं इसका साइज, चेक कर रहे हैं एल डॉट साइज कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। अभी 3 पड़े हैं, ठीक है। तो ये मैसेज प्रिंट करेगा कि अरे साइज इज, फिर ये वेरिएबल कंटिन्यूएशन के बाद ये वेरिएबल के 3 होंगे। और फिर हम लूप चलाएंगे जिस तरह उन्होंने कहा था कि अगर आप इसको रिट्रीव करोगे तो फिर आप लूप चलाओगे। कहाँ पे था, कहाँ पे
मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अच्छा गेट फेयर अभी वो मुझे नहीं मिला, लेकिन उसमें लिखा था कि हम लूप चलाएंगे। तो लूप, ये फॉर लूप है और इसको इंटीजर आई हम ले रहे हैं, आई मतलब इस, और इसको जीरो असाइन कर रहे हैं। और फिर हम कह रहे हैं कि एल डॉट साइज, इसका साइज 3 होगा ना, तो जब आई 3 से कम होगा फिर आप स्टॉप कर जाओ। क्यों जब 3 से होगा? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 1 2, तो ये जब 2 पे आएगा तो ये इसका साइज इससे बराबर हो जाएगा और फिर ये स्टॉप हो जाएगा 0 से 2 पे। और ये इंक्रीमेंट कर रहा है, जब लूप वापस यहाँ पे इस तरफ से आएगा तो 0 होगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर इस तरफ से आएगा आई प्लस प्लस से 2 हो जाएगा, तो इस तरह ये काम कर रहा है। अब नीचे क्या है, हमने एक स्टूडेंट टाइप दिया है, स्टूडेंट का वेरिएबल हमने बना दिया है स्टूडेंट टाइप का, जिसमें हम कह रहे कि इसमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आएगा। और यहाँ हम टाइप कास्ट कर रहे हैं, हमने पढ़ा था कि जब हम रिट्रीव करेंगे डेटा इस अरे लिस्ट से तो हम उसको टाइप बताएंगे, इसको टाइप कास्टिंग करेंगे, या वो जो डाउन कास्ट, एक अप कास्टिंग होता है एक डाउन, जब डाउन डाउन तो इसमें हम डाउन कास्टिंग करेंगे, हम बताएंगे कि इस टाइप का ऑब्जेक्ट है जब हम गेट करेंगे। जब ऐड करेंगे फिर कोई इशू नहीं, लेकिन जब हम गेट करेंगे तो तब हम इसका टाइप मेंशन करेंगे यहाँ पे इम्प्लिसिटली। तो ये गेट का मेथड है और यहाँ पे हम इंडेक्स दे रहे हैं, ये आई जो है ये इंडेक्स है, मतलब जो पहले तो जो जीरो नंबर पे हैं जो S1 है उसको इसमें डाल दो, फिर S2 को डाल दो, फिर S3 को। तो पहले ये क्या करेगा कि पहले S1 को या इस पे ऐड कर लेगा इस वो ऑब्जेक्ट S1 का, और फिर S1 का प्रिंट फंक्शन कॉल करेगा जो S1 का अली और आईडी है वो प्रिंट करेगा। फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा लूप, इसमें S2 आ जाएगा वो प्रिंट कर लेगा 7 और 3, फिर इंक्रीमेंट होके रजा को प्रिंट करेगा और फिर प्रोग्राम ख़त्म। तो देखते हैं, इसको रन करते हैं, देखो पहले तो ये मैसेज आया कि अरे का लिस्ट 3 है और फिर अली को, फिर रजा और साद और रजा को, प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये था अरे लिस्ट। अब हम देखते हैं कि ये हैश मैप क्या चीज़ है। तो अगर आप चाहते हो कि आप ये देख लो कि F कैसे चलेगा, तो फिर आप क्या करो, आप ये ऐड मेथड्स को रिमूव कर दो यहाँ से। जब इसको आप रिमूव करोगे तो ये एम्प्टी होगा और फिर F एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको लिखेगा कि अरे इज एम्प्टी। तो अब देखते हैं हैश मैप, स्टोर एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर फ्रॉम अ की इज एसोसिएटेड विद ईच अदर दैट इज स्टोर्ड, दिस अलाउज फास्ट रिट्रीवल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट की आर यूनिक। हैश मैप में हम क्या करते हैं कि जब हम इसको वैल्यू देते हैं, जब इस तरह हमने ये 7 को S1 को ऐड किया, S1 को S1 के ऑब्जेक्ट को, तो हमने कोई की नहीं दिया, ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। और हैश मैप में हम की देते हैं क्योंकि उससे रिट्रीवर फास्ट हो जाता है। तो ये हम देखते हैं किस तरह। अब इसमें कुछ मेथड्स हैं, इसमें पुट, उसमें ऐड था, इसमें पुट है ऑब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट वैल्यू देते हैं पुट में।
key and value are stored in the form of object implicitly upcasting is performed. अपकास्टिंग परफॉर्म होता है इम्प्लिसिटली, हमें बताने की जरूरत नहीं, खुद हो जाता है. एसोसिएट स्पेसिफाइड वैल्यू विद स्पेसिफाइड की इन दिस मैप. ठीक है, इफ द मैप इज प्रीवियसली कॉन्टेक्ट मैपिंग फॉर दिस की द ऑल वीडियो इज रिप्लेस. जब हम दो सेम की दे देते तो जो हमने पहले दिया होता है वो रिप्लेस हो जाता है न्यू से. ऑब्जेक्ट गेट ये एक फंक्शन है, जब उसमें हम की देते तो उसको वो गेट करता है. इसमें तो इंडेक्स से करता है वो की से. और रिटर्न द वैल्यू टू विच दिस स्पेसिफाइड आइडेंटिटी हैश मैप या नल ऑफ द कंटेनर में नो मैपिंग फॉर दिस की. या अगर वो की पे कोई वैल्यू मिल जाए तो वो रिटर्न कर देता है, अगर कोई कुछ ना मिल जाए तो फिर नल रिटर्न कर देता है. मस्ट डाउन कास्ट टू अप्रोप्रिएट टाइप व्हेन यूज्ड. इसमें भी हम डाउन कास्ट करेंगे, वो साथ लिखेंगे कि किस टाइप का है जब हम गेट करेंगे. और एक फंक्शन है एंड साइज, ये तो वो तो सेम है उसके साथ जो हमने पहले पढ़ा था, वो साइज तो सेम है. लेकिन ये दो ये गेट भी सेम है, लेकिन सिर्फ गेट में हम की देते हैं, उसमें इंडेक्स देते हैं, इसमें की देते हैं. और ये पुट उसमें ऐड है, इसमें पुट है. तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि उसमें इसमें क्या फर्क है. तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ ताकि देख सकें फर्क क्या है. कंट्रोल एन कंट्रोल वी और फिर इसको ये नेम को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ. कंट्रोल एस डॉट जावा हो गया क्रिएट. अब ये जो जो ये येलो होता है इस एडिटर जो आईडीई है ये वी एस कोड, अगर इसमें ये येलो होगा तो मतलब ये डबल कोट्स ठीक है, अगर वाइट होगा तो फिर इसमें प्रॉब्लम है. और यहाँ भी प्रॉब्लम है क्योंकि पुट के साथ हम कॉमा देते हैं. और यहाँ पे इस जो हैंडआउट से इन्होंने डॉट दिया हुआ, ये देखो ये कॉमा है, तो ये भी एक एरर है. या हम कॉमा देंगे ओके, ये बाकी ठीक है. और ये देखो ये अब वाइट नज़र आ रहा है आपको क्योंकि ये गलत है. इसको डबल कोट्स कर दो और इसको ये एफ है तो इसको एंटर कर दो ताकि ये डाउन हो जाए, ताकि कंफ्यूज ना करे बंदे को. अब ये भी येलो कर दो. अच्छा जी, तो देखते हैं कि पहले तो आप इसको रिमूव कर दो स्ट्रिंग स्टूडेंट इसको. ये दो दफा कॉपी पेस्ट हुआ था तो इसलिए इसको इस तरह कर दो, ये ठीक हो जाएगा फिर. अच्छा जी, तो अब ये कि ये हैश मैप है वो अरे लिस्ट है, ये हैश मैप है, बाकी सब कुछ तो सेम है. बस फर्क इतना है कि वहाँ हम ऐड यूज कर रहे थे या हम पुट यूज कर रहे हैं. और अब फोकस करो इस लाइन पे, या हम की दे रहे हैं, वह इंडेक्स था यहाँ की दे रहे हैं. अब यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ अब वन होगा और यहाँ पे टू होगा. ये मस्ट नहीं है कि हम इस तरह लिखे, आप इस तरह भी लिख सकते हो कि आप की इस तरह भी दे सकते हो. फर्स्ट को उन्होंने वन दिया, आप इस तरह भी दे सकते हो कि इस स्टूडेंट का क्या नाम है अली, तो अली.
फिर ये इसका यूनिक की हो जाएगा, जब आप गेट करोगे और अली लिखोगे तो ये अली का रिकॉर्ड आपको देगा। जिस तरह आप मोबाइल में नंबर नाम के साथ स्टोर करते हो, इसी तरह ये इस की पे इस ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं। तो की आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, यूनिक भी हो। तो इन्होंने 1 2 3 दिया हुआ है, तो इस एग्जांपल को देखते हैं। ये वही देख रहा है कि एम्प्टी तो नहीं है, इसको स्पेस को ख़त्म करना। ठीक है, बाकी वही सब कुछ है, साइज देख रहा है, और सिर्फ यहाँ पे चेंजेस हैं। यहाँ पे क्या चेंजेस हैं कि ये प्रीवियस में उन्होंने लूप यूज़ किया था, क्योंकि वो इंडेक्स पे पड़े थे और उसको बारी बारी वो इंडेक्स उठा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लूप यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हमने की दिया हुआ है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये तो हम इसका टाइप लिखेंगे कि स्टूडेंट, इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, और ये डाउन कास्टिंग कर रहे हैं, इसको कह रहे कि इसको स्टूडेंट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब एच डॉट गेट, क्या गेट करो, जो जिसका की 2 हो। तो 2 किसका की है, इस 7 का। तो ये हमें 7 देंगे। तो पहले इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ। डॉट जावा, H2, ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है कि हमने स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक किया था। ये हैश, न्यू हैश मैप है, MAP, यहाँ हमने H लगाया था। तो अब रन करके देखते हैं। क्या कह रही है, कैन नॉट फाइंड S2 S3 सिंबल। अच्छा, ये असल में क्या है, वो इसको क्या कहते हैं, नाम मैं भूल गया। मतलब इसको क्या कहते हैं, मतलब ये जो है, ये हमने स्मॉल डिक्लेयर किए हुए हैं ना, ये S स्मॉल है, और यहाँ पे हमने कैपिटल दिया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम था। ये भी हम स्मॉल कर देते हैं। तो अब देखते हैं। ये अब कंपाइल हो गया, ये थोड़ा एरर वार्निंग दे रहे हैं कि कुछ हम अनसेफ यूज़ कर रहे हैं, कुछ अनसेफ ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन खैर, बस काम तो कर रहा है, बस ये कंपाइल तो हो गया, हम देखते हैं। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। देखो, उन्होंने क्या कहा कि हैश मैप का साइज 3 है, इसमें 3 ऑब्जेक्ट पड़े हैं, और हमने S2 को रिट्रीव किया था, उन्होंने 7 दिया नाम रोल नंबर। तो ये आप ये इसको यूनिक भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि इसका नाम मैं क्या रख दूँ, फॉर एग्जांपल माय बेस्ट, चलो माय बेस्ट लग देता हूँ। तो अभी इसका की हो गया, अगर आप इसको 2 दोगे तो 2 पे कोई अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, 2 पे। तो शायद ये पहले मैं रिकम्पाइल कर दूँ, फिर ये इसको रन कर दूँ। तो अभी इसने एक्सेप्शन दे दिया, एरर दे दिया कि जो पॉइंटर एक्सेप्शन है, जो हम सर्च कर रहे हैं, वो नहीं मिला। ओके, तो अगर मैं इसको दे दूँ को के माई बेस्ट को रिट्रीव कर दो, तो रिकम्पाइल रन अगेन,
आपने देखा कि इन्होंने रिट्रीव कर दिया। तो इससे थोड़ा रिट्रीवल स्पीड फास्ट हो गया, बजाय कि आप जीरो से स्टार्ट करो और 100 इंडेक्स पे देखो कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट पड़े। तो ये यूनिक के दे दिया जो आपको याद रहता है, और आप इससे जल्दी रिट्रीव कर देते हो डेटा को। तो आज के लिए यही था, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, सपोर्ट कर दो, बाकी हम देखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।